हिंदी भाषा दिवस व सह शिक्षक दिवस के संयुक्त आयोजन के तहत सदैव शिक्षा की अलख जगाने व शाला के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से सहयोग कर प्रत्यक्ष रूप से सामने न आने वाले 25 स्कूलों के शिक्षकों एवं पदोन्नत प्रधान पाठकों का सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक इकाई दुर्ग के बैनर तले रविवार को दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में एक दिवसीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी भाषा दिवस सह शिक्षक दिवस के संयुक्त आयोजन में विभिन्न आयोजनों के साथ सदैव शिक्षा की अलख जगाने व शाला के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से तन मन और धन से सहयोग करने के बाद भी प्रत्यक्ष रूप से सामने न आने वाले 25 संकुलों के शिक्षकों एवं पदोन्नत प्रधान पाठकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समारोह में दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल की उपस्थिति में शिक्षकों का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि जिला मीडिया प्रभारी सहायक शिक्षक फेडरेशन अनिल थारवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक इकाई दुर्ग की अभिनव पहल के अंतर्गत इस वर्ष लगातार चौथी बार हिंदी भाषा दिवस के आयोजन को यादगार बनाने के लिए ऐसे समर्पित उत्कृष्ट सेवाभावी शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। साथ ही इस आयोजन में हिंदी भाषा के उत्थान विकास एवं संरक्षण के लिए शपथ ग्रहण के साथ नृत्य व गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में मीडिया के समक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा ये जो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये शिक्षक का ये वास्तव में बहुत बड़ा सम्मान है। शिक्षक होना अपने आप में सम्मान है, लेकिन हमारे शिक्षक जो अच्छा काम करते हैं उसको एक मंच प्रदान करके हम ऐसा प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। इसके लिए सहायक शिक्षक फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनको बधाई देता हूँ। और वास्तव में ये सब काम तो शासन के द्वारा भी होता है, लेकिन हड़ताल के कारण इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है। और भले ही मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार को देने में अभी देरी हुई है, शासन स्तर में भी ये कार्यक्रम होता है, लेकिन शिक्षकों ने जो ये कार्यक्रम किया है काबिले तारीफ है। इससे हमारे शिक्षक मोटिवेट होते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस एवं 14 सितंबर हिंदी दिवस के संयुक्त तत्वाधान में सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक इकाई दुर्ग द्वारा हमारे 25 संकुल के मेहनती और नवाचारी शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम सहायक शिक्षक फेडरेशन जब से अस्तित्व में आया विगत 4 वर्षों से लगातार यह कार्यक्रम संपन्न करा रहा है और इस वर्ष यह कार्यक्रम दुर्ग के विवेकानंद सभागार में हमारे इन 25 नवाचारी शिक्षकों का सम्मान समारोह किया गया है। इस कार्यक्रम में हम अपने उन शिक्षकों को जिन्हें शासन के द्वारा या कहीं पर बीच हाईलाइट नहीं हो पाते, ऐसे शिक्षकों को चुना गया और विशेष रूप से इन्हें सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।